ईश्वर प्राप्ति के उपरांत मनुष्य में क्या क्या स्थिति उत्पन्न होती है बताने की कृपा करें। ईश्वर प्राप्ति होगी तब मैं बताऊंगा, अभी कैसे बताऊं भाई। ये जो अनुभूति की बातें हैं, ये अनुभूति की बातें यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाः। अभी आप ईश्वर का मन समझना चाहते हैं। एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, माइंड ऑफ गॉड, पॉल डेविस, बहुत बड़े साइंटिस्ट है। पॉल डेविस की किताब है माइंड ऑफ गॉड। बोले हमको भगवान का मन जानना है, भगवान क्या कर, भगवान का मन कैसा है, तो इसलिए क्या करें। ईश्वर का मन जानने के लिए उन्होंने क्या कहा, मैथमेटिकल इक्वेशन निकाले। तो मैथमेटिकली इन्फिनिट बहुत सारे हो सकते हैं, हम तो चाहते हैं इन्फिनिट मासिम तो एक ही हो सकता, नहीं, मैथमेटिकली इन्फिनिट बहुत होते हैं। सब इन्फिनिट को मिला करके उन्होंने उसका नाम दिया कैंटर्स एब्सोल्यूट, CANTOR, कैंटर्स एब्सोल्यूट। कैंटर्स एब्सोल्यूट यदि हम जान लेंगे बस, तो हम भगवान का नाम, भगवान का मन जान लेंगे। अब इस सब सोचने के बाद, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद, सब इक्वेशन निकालने के बाद आखिरी में बोला, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द माइंड ऑफ कैंटर्स एब्सोल्यूट बिकॉज कैंटर्स एब्सोल्यूट कंटेन्स द माइंड ऑफ द पर्सन हु इज वांटिंग टू नो द माइंड ऑफ कैंटर्स एब्सोल्यूट। जो कैंटर्स एब्सोल्यूट को जानना चाहता है वो जो माइंड है वो भी कैंटर्स एब्सोल्यूट में है, तो जानने वालों को कैसे जानेंगे भाई। जो जानना चाहता है वो, उसको आप कैसे जानेंगे, हाउ टू नो द नोअर। यही भेद जब तक नहीं जाता है, नो नोअर, नोअर नोन एंड नोइंग जो है नॉलेज, ये तीनों का त्रिपुंडी भेद जब तक नहीं जाता है तब तक हमें नॉलेज नहीं होता है। इसलिए जब तक ही हमारा मन उस असीम चेतना में नहीं जाना चाहता तब तक हम नहीं हो सकता। एक बार इसको खत्म कर दें। एक बार श्री रामकृष्ण देव को भक्तों ने कहा, अच्छा आप समाधि अवस्था में जाते हैं है ना, उस समय क्या हमको होता है जरा बताइए ना। अरे बोले वो समाधि अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता। नहीं 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 हमको बताना ही पड़ेगा, जैसे अभी हमको पूछना प्रश्न आपको बताना ही पड़ेगा। चलो तो सब भक्त लोग पीछे पड़ गए, आपको समाधि अवस्था में क्या होता है बताना ही पड़ेगा। अच्छा बोले ठीक है, तो देखो ऐसा होता है, अभी आप लोग बोल रहे हो इतना मैं बता रहा हूं, ठीक है। बात ऐसी होती है जब कुंडलिनी शक्ति इस प्रकार से मूलाधार से धीरे धीरे जाती है, फिर षट चक्र का भेदन करके फिर आती है, फिर अनाहत चक्र में आती है, अनाहत चक्र में से फिर जाती है विशुद्ध चक्र में आती है, उसके बाद में वो आज्ञा चक्र में आती है, और उसके बाद में समाधि में चले गए, फिर बोल नहीं पाए, बहुत देर तक बाद समाधि निकली, समाधि उतरी, फिर बोले अच्छा क्या बोल रहा था, आप बोल रहे थे समाधि में क्या होता है, हाँ मैं बताता हूँ बताता हूँ। फिर शुरू किया, जब इस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से ऊपर होते षट चक्र का भेदन करके और सभी चक्र का करके फिर आती है अनाज चक्र से, फिर जाती है विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र से फिर आती है आज्ञा चक्र, और फिर समाधि में चले गए। फिर इतना कई बार प्रयत्न करने के बाद बोला क्या करूं रे, मैं तो बोलना चाहता हूं पर जगदम्बा मेरा मुंह दबा देती है, मुझे बोलने ही नहीं देती। स्वामी शारदानंद जी महाराज लिखते हैं रामलीला प्रसंग में, हमको जगदम्बा पर बड़ा गुस्सा आया, देखो वो सब बताना चाहते समाधि अवस्था में क्या होता है और ये माँ जगदम्बा ऐसी उनका मुंह दबा रही है। बोले तब हमको क्या पता था ये जिस समाधि अवस्था का वर्णन करना चाहते हैं वो असंभव बात है, हमारे सीमित मन के द्वारा उस असीम मन को बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, वह जो एब्सोल्यूट है, वह परमात्मा, वह परब्रह्म, इस जगत के परे, समय से परे, स्थल से परे, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, वो जो एब्सोल्यूट है, जब तक हम उस सीमा को पार करके वहां तक नहीं जा सकते हैं तब तक उसकी अनुभूति नहीं होती। और ये अनुभूति जब इस माइंड पर आते हैं, इस अवस्था में आते हैं, तो उसकी स्थिति का तब वर्णन नहीं हो सकता है। सीमित मुंह के द्वारा असीम का वर्णन नहीं हो सकता। यतो प्राचो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषद में ही कहा। और इसीलिए श्री रामकृष्ण ने अपनी भाषा में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी इतने बड़े विद्वान कह रहे, अरे ऐसी बात मैंने कभी नहीं सुनी, देखो इस दुनिया में सब चीजें झूठी हो गई, एक ब्रह्म झूठा नहीं हुआ। क्यों झूठा, मतलब जो मुंह में आता है वो झूठा हो गया, ब्रह्म की बात आज तक कोई नहीं बोल सकता है।
ईश्वर की बात आज तक नहीं बोल सका कि ईश्वर प्राप्ति करने से क्या होता है, समाधि अवस्था प्राप्त से क्या होता है, वो तो भाई तुम प्राप्त करो। अरे इसकी तो बात छोड़ो, आपको मैं यही पूछता हूँ, रसगुल्ला का स्वाद कैसा होता है, बोला तो। अरे भाई रसगुल्ला का स्वाद है ना वो मीठा मीठा होता है। हाँ मीठा मीठा कैसा होता है? अरे आप रसगुल्ला खा लो, आपको ज्यादा परेशान मत करो, रसगुल्ला खा लो, ये बताने हम वर्णन नहीं कर सकते रसगुल्ला। अरे रसगुल्ला ना बहुत अच्छा लगता है। अरे पर टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा वर्णन तो। रसगुल्ला का वर्णन नहीं कर सकते, आपको ईश्वर का वर्णन चाहिए जो समय स्थल कार की मर्यादा के परे है। हो सकता है वर्णन? नहीं हो सकता।